हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर इग्नो गाइडेंस, और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है ये आपका है BSDC 134 का यूनिट 2 है, हिंदी उपन्यास एवं कहानी। हम 3rd यूनिट तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज जो है यूनिट 4 लेंगे। त्यागपत्र की अंतर्वस्त्र और विश्लेषण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, मैं पहले से ही आपको बता दूं, ठीक है ना। तो त्यागपत्र की अंतर्वस्त्र और विश्लेषण क्या होगा, चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं। ओके राइट। इसके बाद सिर्फ हम इसमें नमक का दरोगा, कथा वस्तु और विश्लेषण यूनिट 6 लेंगे, फिर यूनिट 8 में आकाशदीप का अंतर वस्तु और विश्लेषण लेंगे, और इसी तरह से जो वापसी कहानी है उसका कथा वस्तु और मूल्यांकन लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज यूनिट 4 देख लेते हैं आपका, और जल्दी से आज ही हमारी कोशिश है कि जो ब्लॉक 2 है उसे फिनिश कर दिया जाए, यानी उसको खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो ये तो यूनिट 2 हो गई, हमें लेना है यहाँ पे यूनिट 3। तो इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, नीचे आते हैं, राइट। अभी 2 ही चल रहा है, या आ गया त्याग पत्र, आ गया यूनिट यहाँ पे 4 आ गया। त्याग पत्र की अंतर्वस्तु और विश्लेषण ले लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, त्याग पत्र ही आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका कथा सार थोड़ा एक नजर डाल लेंगे, इस कथानक की विशेषताएं क्या है डाल लेंगे। ऑलरेडी यूनिट 3 में हमने आपको बताया था उसके पात्र मृणाल, प्रमोद और अन्य पात्र जो है उनके बारे में, ठीक है। और इसका संरचना शिल्प हम देखेंगे, किसकी संरचना शिल्प के अंतर्गत क्या क्या आता है, संवाद योजना आती है, भाषा आता है और शैली आती है, ठीक है। 3 चीजें आती है संरचना शिल्प के अंतर्गत, तो ये चीज हम देखेंगे, राइट। ओके चलिए। क्योंकि जो जैनेन्द्र कुमार है हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार है, बहुत सारे उन्होंने उपन्यास लिखी हैं, और त्याग पत्र उनका सर्वाधिक चर्चित और प्रशंसित सामाजिक उपन्यास है, ठीक है। और इसका मेन जो कथावाचक है, जो ये कथा कह रहा है, जो ये उपन्यास सुना रहा है, वो है प्रमोद, ठीक है। वह अपनी बुआ मृणाल की कहानी बताता है, क्योंकि एक विधवा नारी की कहानी है, ठीक है ना। इसको हम यूनिट 3 में भी देख चुके हैं। तो त्याग पत्र का एक परिचय एवं संदर्भ किस तरह से होता है, तो ये ही अगर आ जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये जो यूनिट 4 है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि त्याग पत्र वर्ड ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इससे कुछ भी किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। ये हिंदी ग्रंथ रत्नाकर का 94वां ग्रंथ है, और इसके शीर्षक में लिखा हुआ है त्याग पत्र, यानी मौलिक सामाजिक उपन्यास। पहली बार यह सन 1937 में प्रकाशित हुआ। उपन्यास का प्रारंभ इस वक्तव्य से होता है, फिर से कह दूं, कॉपी पेन ले लीजिए, यदि आपके पास बुक नहीं है, PDF अवेलेबल नहीं है, तो आप, मैं जो बताती चल रही हूँ, जिसे मैं हेडिंग करती जा रही हूँ, वो आप लिखते जाइए अपन उसमें, ठीक है। जैसे लिखना है तो यूनिट 4 लिख लीजिए त्याग पत्र, और फिर लिख लीजिए त्याग पत्र का परिचय एवं संदर्भ दीजिए, यदि क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन डाल के लिख लीजिए। अब मैं जिस पे हेडिंग करती जा रही हूँ, बताती जा रही हूँ, वो आप लिखते जाइए, ठीक है ना। ओके राइट। चलिए, स्टार्टिंग किससे होती है, उपन्यास का प्रारंभ इस वक्तव्य से होता है कि सर एम दयाल, जो इस प्रांत के चीफ जज थे, और जजी त्याग कर इधर कई वर्षों से हरिद्वार में विरक्त जीवन जी रहे थे, उनके स्वर्गवास का समाचार 2 महीने हुए पत्रों में छपा था। पीछे उनके कागजों में उनके हस्ताक्षर के साथ एक पांडुलिपि पाई गई, जिसका संक्षिप्त सार इस तरह पत्रों में छप चुका है, यानी कि पहले के पत्रों में छप चुका है, उसे एक कहानी ही कहिए। मूल लेख अंग्रेजी में है, इसी का हिंदी उल्टा यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो कहानी में स्थानों और व्यक्तियों के नाम और कुछ ऐसे ही ऐहिक विवरण अनिवार्य ना होने के कारण बदल या कम कर दिए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद उपन्यास प्रारंभ होता है, यहाँ सर एल दयाल के स्थान पर प्रमोद पात्र बनकर आया है। कहानी सर एल दयाल की, लेकिन पात्र जो है प्रमोद बनकर आया है, वह अपनी बुआ की कहानी जिसका नाम मृणाल है वह बताता है, क्योंकि अगर कहानी लिखने के लिए आता, त्याग पत्र के बारे में बताइए, कहानी उपन्यास के बारे में आप क्या जानते हैं, एक साल लिखिए, संक्षिप्त तो नोट लिखिए, तो फिर आपके ही लिखना होगा। तो क्योंकि कैरेक्टर के नेम आपको याद होने चाहिए, प्रमोद मृणाल, प्रमोद जो है वो भतीजा है, मृणाल उसकी बुआ है, और ये पूरी कहानी जो है मृणाल के जीवन की है। मृणाल यानी लड़की, एक वुमेन है, और प्रमोद जो है लड़का है, जो वो पूरी कहानी सुना रहा है। मृणाल के मरने की खबर से उपन्यास का प्रारंभ होता है,
फिर विस्तार से मृणाल के जीवन की कहानी चलती है। तो मृणाल मरती है, वहां से स्टार्टिंग होती है, अब उसके बाद क्या क्या उसके साथ जीवन में हुआ वो सब यहाँ पे चलता है। तो उपन्यास का अंत भी मृणाल के मरने से होता है, और बुआ के मरने के बाद स्टार्टिंग भी मरने से हुई और अंत भी मरने से होता है। तो बुआ के मरने यानी मृणाल के मरने के बाद बुआ को संबोधित करते हुए प्रमोद कहता है, बुआ तुम मर गई, तुम्हारे जीते जी मैं राह पर ना आया। अब सुनो, मैं यह जजी छोड़ता हूँ, जगत का आरंभ सारंभ ही छोड़ दूंगा। औरों के लिए रहना तो शायद नए सिरे से मुझसे सीखा ना जाए, आदतें पक गई हैं, पर अपने लिए तो उतनी ही स्वल्पता से रहूंगा जितना अनिवार्य होगा, यह वचन देता हूँ। स्वल्पता यानी कम से, उतने ही कम से रहूंगा, स्वल्पता जितनी जरूरत हो। ठीक है, ओके। भगवान तुम मेरी बात सुनते हो, वैसे चाहे ना भी तो, पर वचन तोड़ू तो मुझे नरक अवश्य ही देना। एम दयाल का कथन है। पुनश्च इसी के साथ सही करता हूं कि जजी से अपना त्याग पत्र मैंने दाखिल कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह यह एम दयाल उपन्यास के प्रारंभ में आते हैं और फिर अंत में आते हैं। ठीक है, जो एम दयाल बस है, बस उपन्यास में त्याग पत्र का अर्थ हुआ जज एम दयाल या प्रमोद द्वारा जज के पद से दिया गया त्याग पत्र। तो जो ये नॉवेल उपन्यास है वो त्याग पत्र कैसे नाम निकला, क्यों नाम रखा गया? तो यहाँ पे दो कैरेक्टर है, दोनों कैरेक्टर के त्याग पत्र से है, ठीक है ना, रिजाइन से है। यानी कि प्रमोद जब है अपनी जजी से त्याग पत्र देता है, रिजाइन करता है, और उधर जो एम दयाल हैं वो अपने त्याग पत्र देते हैं। तो उन दोनों के ही इस त्याग पत्र को, इस उपन्यास का नाम त्याग पत्र रख दिया गया है। तो स्पष्ट है कि मृणाल के जीवन से त्याग पत्र का अर्थ इस उपन्यास में नहीं आता, क्योंकि मृणाल की मृत्यु होती है स्वेच्छा से। वह मृत्यु का वर्णन नहीं करती है, स्वेच्छा से मृत्यु हो जाती है, चुनती नहीं है, और वह ऐसे जीवन का वर्णन करती है जिससे उसे अपार कष्ट होता है, परंतु वह जीवन से त्याग पत्र की श्रेणी में नहीं आता है। तब पाठक के मन में यह प्रश्न भी आता है कि उपन्यास प्रमोद का है या मृणाल का, उपन्यास में कौन महत्वपूर्ण है? वर्णन की दृष्टि से तो मृणाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द रची गई है। उपन्यास में पूरी कहानी मृणाल की है, लेकिन कह कौन रहा है? प्रमोद कह रहा है। जज कौन है? प्रमोद है। त्याग पत्र कौन दे रहा है? प्रमोद दे रहा है। तो उपन्यास का नाम क्या है? त्याग पत्र है। तो सोचने पे थोड़ा सा यहाँ पे पाठक को मजबूर होना पड़ता है कि आखिर इसका मेन कैरेक्टर कौन है, किसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है। परंतु उपन्यास के ढांचे में प्रमोद भी एक प्रमुख पात्र है। ओके, ठीक है। उपन्यास का एक परिवार समृद्ध परिवार है। प्रमोद के पिता, दो भाई और तीन बहनें थीं। भाई छोटा था जो घर से अलग होकर बर्मा चला गया। दो बड़ी बहनें थीं, दोनों प्रसव के दौरान मर गईं। इनमें से एक बुआ बची जो सबसे छोटी थी, और पिता बुआ को बहुत प्यार करते थे और माँ उस पर कठोर नियंत्रण रखती थी। वे उसे आर गृहिणी बनाकर रखना चाहती थी। बुआ शहर के बड़े स्कूल में पढ़ती थी और बग्गी में बैठकर स्कूल जाती थी। यह पृष्ठभूमि से त्याग पत्र आर इस इस पृष्ठभूमि से त्याग पत्र प्रारंभ होता है, यानी स्टार्टिंग कैसे कहा शुरू होती है त्याग पत्र की, यहां से होती है। ठीक है, ओके। ये कहानी मैं ऑलरेडी यूनिट 3 में बता चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको नहीं बताऊंगी, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। तो यूनिट 3 यदि आपने पढ़ा है, पढ़ लीजिएगा, नहीं देखा है तो उसमें ये कहानी मैंने आपको बताई है, तो कहानी क्या है वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, कथावाचक का मतलब क्या होता है? जो कथा कहता है। वाचक मतलब वाचने वाला, पढ़ने वाला, सुनाने वाला। तो यहाँ पे प्रमोद कथा वाचक हो जाएगा, क्योंकि वो कहानी सुना रहा है। किसकी सुना रहा है? अपनी बुआ की। तो विषय क्या हुआ? उसकी बुआ हुई, तो कथा विषय क्या हो जाएगा? मृणाल बुआ। आया समझ में? कथावाचक और कथा विषय। कथा विषय का मतलब जिसपे कहानी लिखी गई हो, जो कहानी जिसके इर्द गिर्द घूमती हो, जिस टॉपिक पे लिखी गई, तो वो टॉपिक यहाँ पे मिलाल है, तो ये कथा विषय हो गया। लेकिन कथा सुना कौन रहा था? प्रमोद सुना रहा था, कथावाचक आ गया। यदि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि त्याग पत्र में कथावाचक कथा विषय से आप क्या समझते हैं, विस्तार में समझाइए, संक्षेप में समझाइए, तो आपको यही लिखना होगा, स्टार्टिंग यही से करना होगा। कथावाचक का मतलब कथा सुनाने वाला, कहानी सुनाने वाला, और जिसके ऊपर, जिस विषय पे, जिस टॉपिक पे कथा लिखी गई हो वो कथा विषय कहलाता है। फिर इसको एक्सप्लेन करना कि कथावाचक जो है प्रमोद है, क्योंकि वो अपनी बुआ की कहानी सुनाता है जो की कथा विषय है। इस तरह से इसको एक्सप्लेन करके लिख देना होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता अत्यंत आत्मीय और सघन है। राइट, तो कथावाचक कथा विषय आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इसीलिए एक एक टॉपिक को डिटेल में बता रही हूं। ठीक है, ओके। त्याग पत्र का कथा सार क्या है? अब ठीक है, कथा सार का मतलब यह होता है
जो एक कहानी लिखी गई है उसमें से आप संक्षिप्त में लिखिए। मान लीजिए वो कहानी 2 पेज में, तो आप हाफ पेज में बताइए उसका सार क्या निकला, क्या मतलब निकला। तो उपन्यास का आरंभ मृणाल के स्कूल दिनों से होता है, जब अत्यंत शरारती और चुड़बुड़ी लड़की हुआ करती थी और जिसकी शीला नामक सहेली थी। शीला और भी नटखट थी। एक बार शीला गणित के शिक्षक की कुर्सी में कीले डाल देती है और शिक्षक नाराज होते हैं और वे पूरी कक्षा को दंड देने के लिए तैयार होते हैं और पूछते हैं कि किसने किया। मृणाल को पता है कि यह कार्य शीला ने किया है, तब भी वह कक्षा में खड़ी होकर स्वीकार कर लेती है कि यह उसने किया। ये उसका बड़प्पन था अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए, ठीक है ना। एक फ्रेंड से जिसे हम कहते हैं दोस्ती कहते हैं। इस पर उसे डंडे से पिटाई होती है जिसे वह शांति से स्वीकार कर लेती है। मृणाल की आत्म पीड़ा की यह पहली तस्वीर है। शीला के घर मृणाल का आना जाना होता है। यहाँ शीला के भाई से उसके संबंध हो जाते हैं। तब प्रमोद की माँ अर्थात मृणाल की भाभी को इस संबंधों की जानकारी होती है और तब वह मृणाल को कमरे में बंद करके डंडे से खूब पिटाई करती है। और एक बार तो मृणाल चिल्लाती है, बाद में इस मार को वह चुपचाप सहन कर लेती है। ये कथा सार है, ठीक है। और इस घटना से आहत प्रमोद के माता पिता जल्दी जल्दी मृणाल का विवाह कर देते हैं और किशोरावस्था अभी उसकी चल ही रही थी, उसमें समझ भी विकसित नहीं हुई थी और ना ही भावनाएं आ पाई थी, और चुपचाप इस स्थिति को स्वीकार कर लेती है। और कुछ दिन बाद वह घर वापस आती है। वह माँ बनने वाली है, ससुराल में वह खुश नहीं है। वह ससुराल जाना नहीं चाहती क्योंकि उसका प्रौढ़ पति उसे बेंत से पीटता है, लकड़ी से पीटता है। दोबारा ससुराल जाने पर कुछ दिन बाद पति उसे घर से निकाल देता है और उसकी नवजात बच्ची की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ओके। और इसके बाद वह कोयले वाले के घर में रहने लगती है। मृणाल उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। प्रमोद उसे मिलने जाता है, तब वह अपनी स्थिति का बयान करती है, अपने भतीजे को बताती है और यह आशंका जाहिर करती है कि वह थोड़े दिनों बाद यह आदमी भी मुझे छोड़कर वापस अपने परिवार के पास जाने वाला है। और कुछ समय पश्चात मृणाल को मार पीट कर निराधार छोड़कर वह कोयले वाला भी चला जाता है। अस्पताल में वह बच्ची को जन्म देती है। अस्पताल मिशन है का है। अस्पताल वाले उसे प्रस्ताव देते हैं कि वह इस बच्ची को मिशन को सौंप दे। मिशन उसे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देगा क्योंकि उसका फादर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो वो मृणाल को भी ईसाई धर्म स्वीकार, यानी मिशन, यानी जो मिशनरी हॉस्पिटल होती है क्रिश्चियन की, स्वीकार करने की सलाह देते हैं। उसे नर्स की नौकरी देने का प्रलोभन भी देते हैं। मृणाल उनसे इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है और बिना किसी सहारे के वहां से चली जाती है, ठीक है। ये कथा सार है। और इसी बीच प्रमोद के विवाह की चर्चा चलती है। वह लड़की देखने के लिए जिस घर में जाता है उस घर में नौकरानी के रूप में उसे मृणाल मिलती है, यानी उसकी बुआ मिलती है। मृणाल का जीवन अब ढर्रे पर आ गया है। हालांकि उसकी बच्ची की फिर मृत्यु हो गई, लड़की वालों को पता चलता है कि मृणाल प्रमोद की बुआ है, तो ये रिश्ता करने से मना कर देते हैं और मृणाल को भी नौकरी से निकाल देते हैं। अब वह कुछ समाज में के बीच चली जाती है। संकुट जो कुंठित समाज होता है जहाँ उसका जीवन लगभग नरकी बन जाता है। प्रमोद जो उसका भतीजा है वो फिर प्रयास करता है कि मृणाल उसके साथ उसके घर चले। कोयले वाले के यहाँ मिलने पर भी प्रमोद प्रस्ताव रखता है, परंतु मृणाल कहती है कि वह घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी माँ का है। अब प्रमोद की माँ मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी प्रमोद की माँ की, और प्रमोद भी बड़ा वकील बन गया है। तब भी मृणाल उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। वह प्रमोद को कहती है कि वह अपने रुपए इस बस्ती के लोगों पर खर्च करे। वह नहीं कर पाता। समय बीतता जाता है। प्रमोद वकील से जज बन जाता है और एक दिन पता चलता है कि बुआ मर गई। प्रमोद के मन में भी पश्चाताप जागृत होता है और वह जजी से त्याग पत्र दे देता है। ये देखिए, यही है त्याग पत्र, इसीलिए इस स्टोरी का नाम त्याग पत्र रखा गया है, ठीक है। और यहाँ आकर उपन्यास समाप्त हो जाता है। तो इस कथा के भीतर समाज, चिंतन, पात्रों का जीवन, उसका व्यक्तित्व सचित्रित होते हैं। जैसे समाज कैसा था कि उसकी मैरिज हुई, बहुत कम एज में उसकी मैरिज कर दी गई। मैरिज के बाद उसके पति ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, मारा पीटा, उसको भगा दिया। वो प्रेग्नेंट थी, उसकी जो बच्ची थी वो हुई और मर गई। फिर दूसरे व्यक्ति के पास वो गई जिसने उसको रखा, वो फिर प्रेग्नेंट हुई, फिर उसकी बच्ची मरी। मतलब समाज हॉस्पिटल में गई जहां पे बच्ची को रखने के लिए तैयार थे, लेकिन धर्म बदलने की बात आ गई कि आप धर्म बदलो, ईसाई बन जाओ, तो हम आपकी बच्ची को आपको स्वीकार कर लेंगे। तो यही एक जीवन था जो एक समाज में कुचक्र चलता है, जो कुप्रथाएं चलती हैं, जो व्यक्ति शिकार होता है उन चीजों का, वही वर्णन इसमें सम्मी किया गया है। तो ये कथा सार हो गया, ठीक है, ओके। अब त्याग पत्र के कथानक की विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या है, ओके। क्योंकि पहले ही मैं बोल चुकी हूं
जो पूरा ये उपन्यास है ये मृणाल और प्रमोद दोनों के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन कथानक की बात की जाए, कथा वस्तु की विषय की बात की जाए तो वो मृणाल आती है, लेकिन कथानक की बात की जाए तो वो प्रमोद आता है, ठीक है, जो कि प्रमोद के वर्णन से होता है। तो क्योंकि वह मृणाल की कहानी कहता, अपनी बुआ की कहानी कहता है, तो प्रमोद के इस कथ्य के दो भाग होते। कथानक का मतलब कथ्य होता है कहने वाला, कथ्य कहने वाला, याद रखिएगा, जो कि प्रमोद कह रहा है। कभी कभी कथानक ना पूछ के कथ्य भी पूछ देता है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है ना। तो एक जिन बातों, घटनाओं, प्रसंगों को प्रमोद ने स्वयं देखा, अर्थात वह उन घटनाओं का साक्षी है, और दूसरा कुछ घटनाओं के बारे में मृणाल उसे बताती है। तो यहाँ पे कथ्य जो है, कथानक जो है, उसकी जो विशेषताएं पूछी गई, तो दो विशेषताएं निकल के आती हैं, दो भाग निकल के आते हैं। पहला कि ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें जो प्रमोद ने स्वयं देखा, प्रमोद को मालूम है लेकिन स्वयं देखा उसने अपनी आंखों से, और दूसरी कुछ घटनाएं हैं जो उसने नहीं देखी है, सिर्फ उसकी बुआ बताती है उसे, ठीक है। तो एक आंखों देखी है और एक सुनी हुई है। तो वे सब प्रसंग प्रमोद बिना किसी अतिरिक्त जिज्ञासा के पाठकों को सुना देता है। और तीसरा, पहला हो गया ये, फिर ये दूसरा हो गया, तीसरा क्या हो गया, कुछ बातें अन्न पात्र मृणाल के बारे में बताते हैं, ठीक है। अन्न बातें जो अन्न कुछ बातें अन्न पात्र जो है मृणाल के बारे में बताते हैं। ये हिस्सा जो है सूचनात्मक, कैसे कोयला वाला हो गया, उसके घर में जहाँ शादी लगती है वहां मालकिन का काम करती है, नौकरानी करती, सब चीजें। तो ये एक अनुभव या घटना को दूसरे अनुभव या घटना से जोड़ने के काम में आता है, जिसे कथावाचन भी सूचना के स्तर पर ही सुनाता है, यानी प्रमोद जो कथावाचन कर रहा है। तो जहां पर प्रमोद स्वयं उपस्थित रहता है, या जहां मृणाल उसे घटनाओं की जानकारी देती है, उन प्रसंगों का वर्णन बहुत जीवंत है। जैसे नौकरानी के रूप में काम करती है तो वो देखता है, अपनी बुआ से मिलता है, बात करता है, तो जीवंत घटना हो गई, ठीक है। तो इस तरह से मिलाल की कहानी का मर्म इन प्रसंगों में ही मिलता है, उपन्यास में शेष तो केवल जानकारियां मात्र है, ठीक है। तो तीन चीजें इसमें निकल के आती है कथानक में, ठीक है, ओके। तो ठीक है ना, तीन चीजों को आप एक्सप्लेन करके तो लिख सकते हैं ना, राइट। अब हम देख, कथानक हमारा हो गया ना, राइट, ठीक है ना, क्योंकि पूरी स्टोरी दी हुई है कथानक में। देखिए अब ये जो त्याग पत्र है, ये उपन्यास तो है, लेकिन इसको लिखा किस उसमें गया है, तो डायरी और संस्मरण की शैली में लिखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा कि इस उपन्यास को डायरी और संस्मरण, देखिए डायरी का मतलब क्या होता है, अपने जीवन के बारे में कुछ लिखना। जब इंसान जीवन के बारे में जो घटनाएं घटित होती हैं उसको डायरी में लिखता है। डायरी भी दो तरह की होती है, एक ओपन होती है और एक प्राइवेट होती है। जनरली डायरी जो होती है वो प्राइवेट ही होती है, हम लोग प्राइवेट चीजें रखते हैं उसमें, जो किसी और को पता ना चले, सिर्फ हम तक सीमित रहे, ठीक है ना। और संस्मरण यानी याद के रूप में कुछ घटनाएं जो घटित हो चुकी होती हैं, और फिर उन्हें हम लिखते हैं याद के रूप में, ठीक है। तो डायरी और संस्मरण की शैली, तो अगर शैली की बात आती है तो आपको फिर इस चीज को माइंड में रखना होगा। तो शैली में दो ही चीजें हैं, डायरी और संस्मरण, ठीक है। तो उपन्यास में कथा मृणाल की है, उसे ना तो लेखक कहता है ना ही मृणाल कहती है। कौन ये कहता है? प्रमोद कहता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पात्र है प्रमोद आपका, जो कथा का वाचक है, ठीक है, कथा सुनाता है, जो कथ्य करता है, और जितनी घटना और स्थितियों का साक्षी प्रमोद रहा है, समझा है और सुना है, उसी बात का तो वर्णन कर सकता है। तो इस शैली के कारण कथानक की कई मूल बातें भी छूट जाती है। जैसे शीला का भाई अच्छा है, प्रमोद को भी उसे देखकर अच्छा लगा था, तब मिलार और शीला के भाई का रिश्ता कैसे हुआ, क्या हुआ, पाठक को कुछ पता नहीं चलता, बस बता दिया गया कि मिले और इनकी शादी हो गई, ठीक है। पाठक उस अंधेरे कोने से अनजान रहते हैं। इधर मृणाल अभी प्रेम में है और खुश है, इस प्रेम के कारण मृणाल की पिटाई हुई और अब दुखी है। तो उपन्यास में माँ की बेचैनी, उनकी मानसिकता का वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। इतना बताया गया था कि मृणाल को प्रेम हो गया था, जब उसकी माँ को पता चला तो उसकी माँ ने उसकी पिटाई कर दी। तो माँ पे क्या गुजरी, वो चीज यहाँ पे नहीं बताई गई। तो माँ के सामने एक सामाजिक संकट था, ठीक है। ये चीजें इसमें, मतलब कि जो चीजें जो समाज में हमारे मन की स्थिति होती है, उनका वर्णन इसमें नहीं है, आप सीधे ये कह सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए चलिए, आप क्या करना है, हमने तो कथानक देख लिया ना, कथा सारा जो हमने देखा अभी, ये कथानक ही था कि जो कथानक की विशेषताएं क्या थी, तो ये हमने यहाँ पे देख ली, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा लेंदी भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। मृणाल बग्घी में बैठकर स्कूल जाया करती थी, आई थिंक सही है, देख लीजिएगा, शुरू में पढ़ी थी। मृणाल ने अपने नवजात बच्ची को मिशन को सौंप दिया था, गलत है, नहीं सौंपा था। उपन्यास का अंत होते होते मृणाल प्रमोद के साथ उसके घर चली गई, गलत है, उपन्यास का अंत उसके मरने से होता है,
शुरुआत भी मरने से होती है, अंत भी मरने से होता है, किसके? मृणाल के। ठीक है, ओके। चलिए, त्यागपत्र उपन्यास किस शैली में लिखा गया था? देखिए आ गया ना, तो त्यागपत्र उपन्यास जो है डायरी और संस्मरण शैली में लिखा गया है, ठीक है, भूलिएगा नहीं। चलिए, राजनंदिनी का विवाह प्रमोद से क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जब प्रमोद उसके राजनंदिनी के घर गया था, तो वहां पे उसने अपनी बुआ को नौकरानी के रूप में पाया था, और जब नंदिनी के घर वालों को पता चला कि प्रमोद की बुआ हमारे यहाँ नौकरानी है, तो उन्होंने मृणाल को, प्रमोद की बुआ को, घर से बाहर निकाल दिया, और साथ ही साथ में रिश्ता भी तोड़ दिया। मृणाल को बेच से किसने और क्यों मारा था? तो मृणाल को बेच से उसके पति ने मारा था, ठीक है, और शायद टीचर ने भी मारा था, दोनों चीजें हैं यहाँ पे। टीचर ने अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए उसने झूठ बोल दिया था, तो बेस से मारा था, और उसके हस्बैंड ने भी उसको मारा था, ठीक है, राइट। चलिए, चरित्र चित्रण अब ये देख लेते हैं। सभी इसमें जो पॉइंट दिए हुए हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि त्याग पत्र ही आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। चलिए, तो अब चरित्र चित्रण क्या होगा इसमें, किस तरह का चरित्र है? तो जो त्यागपत्र उपन्यास का उद्देश्य मृणाल के जीवन को जानना और समझना है, ठीक है, उसके जीवन में लिए गए जो निर्णय है किन परिस्थितियों की देन है, किन स्थितियों की देन है कि उसने ऐसे निर्णय लिए, ठीक है, कि उसे 2 बार शादी करनी पड़ी, शादी तो 1 बार हुई थी, दूसरी बार कोयले वाले के साथ शायद वो रहने लगी थी, तो ऐसी क्या परिस्थितियां थी, क्या मजबूरियां थी, उसका अंकन करना था, ठीक है। उसका जज भतीजा जो था, जज था प्रमोद का, यह प्रयास करता था, यही उपन्यास में अभिव्यक्त भी है। तो प्रमोद ने अपने बारे में तथा अन्य पात्रों के संबंध में वर्णन किया, और इस उपन्यास में पात्र बदलते नहीं है, पात्र वही होते हैं जो शुरू से रहते हैं, ठीक है, और उपन्यास के भीतर उसका विकास भी नहीं होता है, क्योंकि ये पात्र जिस मानसिकता के साथ उपन्यास में आते हैं वैसे ही वे अंत तक बने रहते हैं। जो मृणाल का कैरेक्टर शुरू से था उसी तरह से लास्ट में भी था, जो प्रमोद शुरू में था वो भी लास्ट में उसी तरह का था, तो पात्रों की विशेषता सहायक पात्रों के साथ साथ प्रमुख पात्रों पर भी लागू हो जाती है। सहायक पात्र से जयनेन्द्र कुमार के अन्य उपन्यासों में भी लगभग यथावत बने रहते हैं, ठीक है, इन्होंने जितनी भी नॉवेल लिखी है, उपन्यास लिखे, सब में इनके सहायक पात्र रहे हैं, जो रोल शुरू से रहा उनका वही लास्ट में भी रहता है, ठीक है, परंतु नायक नायिका विकसित हो जाते हैं। त्यागपत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ 2 लोग को लेकर के पूरी कहानी लिखी गई है, मृणाल का पति, पिता, माँ और कोयले वाला, जरा भी नहीं बदलते। मतलब पिता उसे प्यार करता है, मृणाल को वो छूट देना चाहता है, लेकिन माँ जो है उसे गृहिणी बनाना चाहती है कुशल, पति जो है उसे मारता पीटता है, कोयले वाला उसका यूज करता है और उसके बाद उसको छोड़ देता है। तो ये जो है ये बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं, जो सेम था वही है, मतलब शुरू में जैसे थे बता दिया गया, वहीं पे उनका करेक्टर खत्म कर दिया गया, फिर इनमें क्या परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ इस कहानी में कोई भी जिक्र नहीं है उनका, ठीक है, यहाँ तक कि मृणाल के चरित्र में भी कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं होता, यद्यपि उसका जीवन बदलता है, परिस्थितियां बदल जाती है, विकसित होती है, परंतु मृणाल अंतर वैसी ही बनी रहती है, यानी ये हस्बैंड, शादी होना, फिर हस्बैंड का छोड़ देना, फिर कोयले वाल के पास जाना, फिर प्रेग्नेंट होना, फिर इसके बाद उसको फिर से मृणाल को छोड़ देना, फिर अपनी बच्ची को मिशनरी में ले जाना, वहां से वापस लेके आना, उनको ना सौंपना, फिर नौकरानी का काम करना, मतलब पूरी ये कहानी है, ठीक है, आपको बताते बताते मुझे पूरी कहानी याद हो गई, ओके। चलिए, उसे बदलना नहीं आता था, और यदि वो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को मृणाल बदल लेती तो वह प्रमोद की तरह सफल चरित्र बन सकती थी, जो प्रमोद का सफल चरित्र था कि पहले वकील था और वकील से वो जज बना था, ठीक है ना, और उसने तय कर लिया था कि अब उसे मैके नहीं जाना है, अपने निर्णय अंत तक अड़िग रहती है, और प्रमोद लेने आता है तब भी उस पर स्पष्ट से मना कर देती है, और लास्ट में प्रमोद जब मिलने जाता है तो मरी हुई मिलती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये चरित्र चित्रण कहलाता है, ठीक है, ओके। अच्छा, मृणाल के जीवन की पीड़ा के 2 मुख्य कारण क्या है? हो सकता है क्वेश्चन पूछ रहे, जैसे एक महादेवी वर्मा का जीने की कला था, तो उसमें नारी के बारे में था, वो भी ये भी एक नारी की दुर्दशा के बारे में, उसकी स्थितियों के बारे में ही दिया हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट भी लगता है, तो हो सकता है क्वेश्चन इससे ये भी बना दे कि मृणाल के जीवन की पीड़ा के 2 मुख्य कारण क्या थे, है ना। तो देखिए, एक तो यौन शुचिता की धारणा और पवित्रता की धारणा, पतिव्रता की धारणा, दोनों धारणाएं भारतीय समाज में बद्ध मूल है, जो कोई इन है दोनों धारणाओं में
धारणाओं से टकराता है, किसी भी कारण से धारणाओं के अनुरूप जीवन नहीं जी पाता। जैसे कि उसका पहले उसे मैरिज हुई और उसका पति उसे छोड़ के चला गया। अब जिसका हस्बैंड एक बार छोड़ के चला जाता है तो उसकी शादी होना मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना, बहुत ही मुश्किल होती है। तो उसे क्या, वो शादी करना भी नहीं चाहती है, वो शादी करना भी नहीं चाहती। महिला पतिव्रता यही कहलाता है कि पति है या नहीं है, है तो ठीक है, नहीं है तब भी मैं पूरी लाइफ बगैर उसके जीलूंगी। पर ये शायद मेंस में, आदमियों में नहीं होता है, सिर्फ औरतों में ये चीजें पाई जाती है। और यही दो चीजें थी इसमें, जो मिलाल का कैरेक्टर है उसकी दो मुख्य पीड़ा यही चीज थी। और शायद जो यौन शुचिता दिया हुआ है, ये कोयले वाले से थोड़ा यहाँ पे जोड़ दिया गया कि जब उसका पति उसका जीवन नरक बना के चला गया तो अपने संबंध किससे बनाती है, कोयले वाले से बनाती है, लेकिन उसको भी वहां पे धोखा ही मिलता है, ठीक है ना। ओके ठीक है। और ये दोनों धारणा ऐसे पिस्तियों पर लागू होती है। यौन शुचिता तो इतनी बलवती है कि उस पर कोई चर्चा तक नहीं करता है। मृणाल के जीवन में शीला का भाई आता है, उसके संबंधों का केवल आभास उपन्यास में दिखाया जाता है, जिसके कारण उसको अपने माँ से मार खानी पड़ती है और छोटी उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है। और इसी कारण से उसका बेमेल विवाह हो जाता है। हस्बैंड बहुत लंबा उम्र का होता है, बहुत दुगने उम्र का होता है, और वो बहुत छोटी होती है, उसको शादी की भावनाओं की समझ नहीं होती है, तभी उसकी शादी कर दी जाती है, ठीक है। और इसी संबंध के कारण अंत अपने पति गृह छोड़ना पड़ता है, अपना पति गृह यानी पति के घर को छोड़ना पड़ता है, और अपराध होता है, उसके लिए भी कोई दंड की अपील नहीं होती है। तो यही सब चीजें हैं इसमें, आप पढ़ेंगे मृणाल के बारे में, ठीक है, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसकी पीड़ा के बारे में, उसके दर्द के बारे में। मैंने पूरी कहानी बता दी तो मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे अलग से बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिया हुआ तो इम्पोर्टेंट। प्रमोद ये मैं नहीं लूंगी, मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। फिर भी त्याग पत्र में लेखक सिर्फ मिलाल का चरित्र उद्घाटित करना चाहता है, और ऐसा वह उसके भतीजे प्रमोद के माध्यम से करता है, इसीलिए मिलाल की कहानी प्रमोद सुनाता है। तो यहाँ पे प्रमोद का भी चरित्र थोड़ा सामने आ जाता है, ठीक है। ओके राइट। अन्य पात्र भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी यहाँ पे छोड़ देती हूँ। जैसे अन्य पात्र में प्रमोद की माँ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मिलार उसे हमेशा प्रमोद की माँ के रूप में जानती और पुकारती, भाभी लगती, ये हो गया। फिर प्रमोद के पिता हो जाते हैं, मिलार का पति हो जाता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, से छोड़ देते हैं। परिवेश, हालांकि इसमें परिवेश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक नजर देख लीजिए। किसी भी उपन्यास की कथा का चित्रण विशेष परिवेश में होता है, ठीक है, और उसी परिवेश में घटनाएं घटित होती हैं। पर्यावरण क्या उस वक्त का एनवायरमेंट रहा होगा, क्या परिवेश रहा होगा, ठीक है, और तथा पात्रों का चरित्र चित्रण होता है, और इस परिवेश को पात्रों और कथा की संगत में होना चाहिए। कोई उपन्यास अपना अभिप्रेत संप्रेषित कर, उदाहरण के लिए भारतीय समाज का चित्रण करने के लिए किसानों का परिवेश ग्रामीण जीवन से जुड़ा होना चाहिए। किसान है तो ग्रामीण जीवन से ही जुड़ा होगा, नारी है तो समाज होगा, घर होगा, परिवार होगा, जितनी भी रूढ़िवादी चीजें होंगी वह सभी चीजें इसमें होंगी। तो ये परिवेश जो होता है, तो इसका यथार्थ चित्रण उपन्यास की कथा को विश्वसनीय बना आता है, ठीक है, जो परिवेश होता है, राइट। परिवेश जो है इसे त्याग पत्र का, संपन्न मध्यम वर्गीय परिवार है, ठीक है, क्योंकि प्रमोद के पिता प्रतिष्ठा वाले थे और माता अत्यंत कुशल गृहिणी थी, जैसी कुशल थी वैसी कोमल थी। तो परिवेश संपन्न मध्यम वर्गीय परिवार है। इसके बाद हम लोग पढ़े ही है, पूरी कहानी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। संरचना और शिल्प देख लेते हैं, राइट, संरचना और शिल्प क्या है। संरचना और शिल्प वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ किसकी संरचना और शिल्प है, यानी कि जो शिल्प है वो किस भाषा में लिखी गई, डायरी और संप्रेषण की शैली में लिखा गया है। शिल्प या शैली जो है तो डायरी और संप्रेषण किस उसमें लिखा गया है, ठीक है ना। और प्रेमचंद के उपन्यास से तुलना करके त्यागपत्र की संरचना और शैली को समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेमचंद्र लेखक के रूप में अपने उपन्यासों की कथा कहते हैं, वे पूरे समय उपन्यास में उपस्थित रहते हैं, चरित्र और घटनाओं का वे स्वयं वर्णन करने जाते हैं और उसका अर्थ भी करते जाते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों में लेखक प्रत्येक स्थिति पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित रहता है, और उनके उपन्यास की कथा का आरंभ होता है, फिर कथा विकसित होती है मगर अंत में किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर समाप्त हो जाती है। लेकिन त्याग पत्र में ऐसा नहीं होता है। जैसे प्रेमचंद की पूछ की रात देख लीजिए, स्टार्टिंग किसान से होती है, किस तरह के किसान होता है, वो पैसे इकट्ठा किए, 3 रुपए किए रहता है कंबल खरीदने के लिए, क्योंकि पूछ की रात ठंड का मौसम था, लेकिन जमींदार को पैसे चुकाने होते हैं, उसकी बीवी उसे डांटती है कि मत चुकाना, फिर चुका देना, या ये खेती किसानी छोड़ दो, कुछ और हम कर लेते हैं, ऐसा करके वहां से स्टार्टिंग होती है। फिर वो रात में वहां जाता है खेत पे, और लास्ट में खत्म किससे होता है, आखिर उसकी बीवी लास्ट में मजबूर होकर कह देती कि हाँ चलो चलो इस सब कुछ छोड़ के कुछ और कर लेते हैं ना। ये तो त्याग पत्र में ऐसा नहीं होता है,
इस उपन्यास के प्रारंभ में लिखा हुआ है कि यह मौलिक सामाजिक उपन्यास है, ठीक है, आरंभ में ही लिखा कि मौलिक सामाजिक उपन्यास है, और इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार है, अर्थात यह अनुवाद नहीं है। और इसके बाद उपन्यास से जैनेन्द्र कुमार गायब हो जाते हैं। पाठकों को सूचित किया गया है कि उपन्यास अंग्रेजी में लिखा गया है, जिसका हिंदी उल्था यानी कि हिंदी रूपांतरण दिया गया, और इसे सर एम दयाल ने लिखा, जो संयुक्त तो प्रांत के चीफ जज थे। फिर उन्होंने जजी से त्यागपत्र दे दिया और हरिद्वार में जाकर रहने लगे। 2 महीने पहले उनका स्वर्गवास हो गया, जो शुरू में आपको हम बताए थे वही सब चीजें इसमें हैं। तो इसमें जो संरचना और शिल्प है वो आपको उस तरह की नहीं मिलती है। इसमें कथावाचक कौन है? प्रमोद है, जो कथावाचक करता है, जो कथा सुनाता है। एक नया पात्र आता है सर दयाल के बाद, प्रमोद, और उसके बाद वो एक और आती है कथा विषय, जो उसकी बुआ है मृणाल है, क्योंकि अपनी बुआ मृणाल के जीवन की कहानी कहता है। तो आरंभ में ही बता दिया जाता है कि मृणाल की मृत्यु हो चुकी है, थोड़ा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। प्रमोद अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, संरचना के भीतर उपन्यास लिखा हुआ है। तो उपन्यास का अंत होते होते एम दयाल फिर आते हैं और अपना त्यागपत्र लिखते हैं और उपन्यास समाप्त हो जाता है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि लेखक जैनेन्द्र कुमार ने चीफ जज सर एम दयाल, फिर सबसे पहले स्टार्टिंग चीफ जज सर एम दयाल से होती है, फिर जो कथावाचक प्रमोद होता है उससे होती है, कथा की प्रमुख पात्र मृणाल से होती है यानी कथा विषय से होती है, और अंत में उपन्यास के पाठक से होती है। बस यही है संरचना सिर्फ, ठीक है, राइट। अब मुझे नहीं लगता है कि कुछ और भी इसमें कहना पड़ेगा। हाँ, संरचनाएं कहीं कहीं पे बदलती रहती हैं, जैसे उसकी शादी आशा अचानक उसकी शादी का होना, कम उम्र में पति का उससे उम्र में ज्यादा बड़ा होना, फिर उसका पति का अचानक उसको मारपीट के बाहर निकाल देना, उसकी बच्ची का मरना। तो संरचनाएं कहीं कहीं पे बदलती रहती हैं, ठीक है ना। संवाद योजना मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, यदि आपको लगता है तो आप देख लीजिएगा। ओके, भाषा एक नजर में देख लीजिए। प्रेमचंद की भाषा परंपरा से भिन्न है, क्योंकि उनको प्रेमचंद से ही कंपेयर किया गया है, प्रेमचंद के बराबर इनको रखा गया है जैनेन्द्र कुमार को। इसलिए त्यागपत्र में जैनेन्द्र कुमार ने उर्दू फारसी मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग नहीं किया, जबकि आप जब प्रेमचंद की कोई भी नॉवेल कहानी पढ़ेंगे तो उनमें इतनी इन भाषाओं का जिक्र जरूर मिलेगा। आमतौर पर सरल तत्सम शब्दों से युक्त सहज भाषा का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ ही जयशंकर प्रसाद की भांति आलंकारिक तत्सम शब्दों का प्रयोग भी नहीं करते। तो सिर्फ और सिर्फ वो सरल और तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं, सरल तत्सम शब्द का प्रयोग करते हैं, इतना आपको माइंड में रखना है। और ये लिखना पड़ेगा कि जैन प्रेमचंद की तरह उर्दू फारसी मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग नहीं करते, और ना ही जयशंकर प्रसाद की बात आलंकारिक तत्सम का प्रयोग करते हैं, सिर्फ सरल तत्सम का। वे अपनी भाषा में भरकस काव्यात्मक होने से बचाते हैं, कवि कहीं पे भी कविता नहीं लिखते हैं, एक दो लाइने की लिखी जाए कही जाए ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी भाषा प्रौढ़ और गंभीर होती है, क्योंकि त्यागपत्र एक चिंता परक उपन्यास है, इसलिए इसकी भाषा भी चिंता परक है। तो इसकी भाषा कैसी हो गई? चिंता परक हो गई। हास्य का प्रयोग लगभग नहीं करते हैं, कई बार उनकी भाषा में व्यंग अवश्य आता है, परंतु ये व्यंग की भी मर्यादा होती है, एक सीमा में, एक लिमिट में व्यंग होता है। मृणाल और प्रमोद दोनों औपचारिक और गंभीर भाषा में सोचते और बोलते हैं, अपना क्रोध और नाराजगी भी स्वयं व्यक्त करते हैं, ठीक है, राइट। प्रमोद का चिंतन भी इसी गंभीरता से चलता रहता है, ठीक है ना। तो त्यागपत्र की भाषा में क्या है? मंथरता, सहजता है, साथ ही किसी प्रकार का आक्रोश और भावाकुलता नहीं दिखती है, ठीक है। सारी पीड़ा भीतरी है, इस भावाकुल पीड़ा के बाद की निश्चिंता रचना में अद्योपांत मौजूद है। उपन्यास में कोई खलपात्र नहीं है, और इसका रूप में कोई नायक नायिका भी नहीं है कि किसी एक पर टिकी हो, तो ऐसा भी नहीं है। प्रमोद भी है, मृणाल भी है, नायक नायिका मतलब हीरो हीरोइन। तो यहाँ पे हीरोइन तो हो गई कौन? मृणाल। लेकिन साथ में उसका हीरो तो दिया नहीं गया, तो बिना हीरो के हीरोइन कैसे हो सकती है? तो कोई नायक नायिका नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से ना तो किसी को दोष देता और ना ही विशेष टिप्पणी करता है। इस कारण त्यागपत्र की भाषा में तटस्थता और वस्तु परकता होती है। जिनमें मैं ये बता रही हूँ, भाषा में मंथरता, सहजता होती है, भाषा में तटस्थता और वस्तु परकता होती है। ये चीजें आपको टॉपिक में यदि आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, ओके, राइट। तो हो गया ना भाषा। शैली क्या है? तो जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास वर्णात्मक शैली में नहीं लिखा है, ऐसी वर्णात्मक शैली का प्रयोग प्रेमचंद के उपन्यासों में मिलता है। तो इनमें नहीं मिलता है जैनेन्द्र कुमार में, बल्कि ये प्रेमचंद में मिलता है। क्या मिलता है? वर्णात्मक शैली मिलती है। जैनेन्द्र कुमार ने आत्मकथात्मक और संरचनात्मक शैली में उपन्यास रचना की। तो शैली की बात की जाएगी तो आत्मकथात्मक और संरचनात्मक दो चीजें हैं, संरचनात्मक और आत्मकथात्मक, ये दो चीजें याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि शैली में लेखक सर्वज्ञ
स्वयं सर्वज्ञ होता है तथा वह संपूर्ण घटनाओं का वर्णन करता है वर्णनात्मक में, जैसे प्रेमचंद लिखते हो, स्वयं होते हैं, स्वयं पूरी घटना बताते हैं। जबकि इस उपन्यास में कथावाचक है, यानी प्रमोद जो कथा को कहता है, मतलब कथावाचक से एक लेखक की कल्पना भी की गई है जो आगे चलकर कथावाचक से अभिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, क्योंकि कथावाचक में अपनी बुआ की पूरी कहानी सुनाता है, ठीक है ना। तो ये आत्मकथात्मक यानी और संस्मरणात्मक है, अपनी बुआ की यादों को बताता है और अपनी कथा आत्मकथा अपनी कथा को कहता है, क्योंकि स्वयं साक्षी होता है कथाओं का, कुछ चीज वह देखता है, कुछ उसकी बुआ के द्वारा बताई जाती है, ठीक है। ओके चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना काफी है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, मैं आपसे कह दे रही हूं, इसमें से 100% एक या दो क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन तो 100% आएगा आएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है। और इसे जो सारांश होता है उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, सारांश हमेशा बेनिफिट ही देता है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे किसका लिंक दिया है, ग्रुप का दिया है, व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, तो ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। और पीडीएफ नहीं होगी तो इसको मैं पीडीएफ को दे दूंगी ग्रुप में, तो आप भी इसे रीड कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।